मैं सोच रहा था कि कल रात 9 बजे 9 मिनट क्या कमाल था। करोड़ों हिंदुस्तानी साथ में आकर एक चीज कर रहे थे। हम अलग अलग किस्म के लोग हैं, हमारे देश में अलग अलग पहनावे हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग खाना है, अलग अलग प्रवृत्ति के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन्स के लोग हैं, लेकिन ऐसे मौके पर हम साथ कैसे आ जाते हैं। एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, और ये शक्ति फिर अपने आप लोगों ने नारे भी लगाने शुरू कर दिए अलग अलग अपने अपने घरों से। अब हाँ, आप जो नुक्ताचीनी करने वाले हैं वो बोल सकते हैं कि पटाखे जलाने की क्या जरूरत थी या नारे लगाने की क्या जरूरत थी, उनको हम अकेला छोड़ देते हैं बिकॉज उनको उनको कोई और काम धंधा नहीं है, बेचारे वो रिडंडेंट हो गए हैं आज की डेट में। मगर कैसे हम लोग सब साथ आए। एक बड़ा अच्छा एक व्हाट्सएप मैसेज आपके पास सबके पास आया होगा कि हिंदुस्तान आकर कोरोना वायरस भी परेशान है कि मैं बीमारी हूँ या त्योहार हूँ। ढोल बजते हैं, घंटियाँ बजती हैं, मोमबत्तियाँ जलती है। अच्छा लगा मुझे, ये सच भी होगा। तो ये शक्ति अगर हम बरकरार रखें अगले कुछ दिनों तक, तो ये बीमारी हमारे देश का कुछ नहीं उखाड़ सकती। बस यही एक पॉजिटिविटी है। लोग कहते हैं ना कि अरे पॉजिटिविटी क्या होता है, सिंबोलिज्म क्या होता है, नहीं ये बहुत कुछ होता है। मैंने तो अपना पूरा करियर ही पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म और होप के जरिए आगे बढ़ाया है। बहुत सारे टैलेंटेड लोग होते हैं। एटीट्यूड क्या है आपका जिंदगी के प्रति, एटीट्यूड क्या है आपका ऐसे प्रॉब्लम्स के सामने। जब प्रॉब्लम सामने आती है तो आपका एटीट्यूड दिखाई करता है कि आप सक्सेसफुल हैं या नहीं हैं। तो इसलिए दोस्तों, ऐसे ही जुड़े रहिए, हम ऐसे ही जुड़े रहेंगे, और यही एक तरीका है, यही एक पॉजिटिव पॉजिटिव तरीका है कि हम अपना मनोबल जिंदा रखेंगे। जय हो।